धमतरी में धर्म प्रेमी समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा ह कांग्रेस छोड़ 1200 समर्थक मन संग भाजपा में प्रवेश करीस। पंडित राजेश शर्मा के आए ले धमतरी में भाजपा ह मजबूत हुई से। धमतरी के पुराना कृषि उपज मंडी में जन सैलाब उमड़ पड़ीस, जिहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण लाभार्थी सम्मेलन के आयोजन करे गए रहीस। जिहां 1200 समर्थक मन संग धमतरी के धर्म ध्वजवाहक पंडित राजेश शर्मा भाजपा में प्रवेश करीस। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत सब्बो बड़का नेता मन मंच में उपस्थित रहें। धमतरी के इतिहास का सबसे बड़ा गैर चुनावी सम्मेलन यदि मैं इसे कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के इस लाभार्थी सम्मेलन को बहुत सारे कारणों से इतिहास में याद रखा जाएगा। एक तो पहली बार प्रदेश के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं ओम माथुर जी, उनका आगमन यहाँ पर हुआ और उसके साथ यहाँ पर हजारों की संख्या में वरिष्ठ समाज सेवी धर्म और राजनीति के क्षेत्र में एक अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले भाई राजेश शर्मा जी अपने हजारों हजार साथियों के साथ, जिनमें बहुत से कांग्रेस पार्टी में मैंने भी 30-35 साल काम किया है, बराबर महिला कांग्रेस में 10 साल काम किया है। अभी वर्तमान में मैं प्रदेश महासचिव हूँ, महासचिव थी है ना। उसके बाद भी अभी जब से बघेल सरकार की सरकार चल रही है छत्तीसगढ़ में, तब से वरिष्ठों की महिलाओं की पूछ परख नहीं के बराबर है। इसलिए हमारे जितने भी वरिष्ठ महिलाएं थी सब इस पार्टी से दूरी बना रखे हैं। आज मेरे जीवन के सौभाग्य और गौरव के क्षण है और मेरे जीवन में सौभाग्य दिया है और प्रदान किया है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मेरे बड़े भाई कविंद्र जैन ने। उन्होंने जो आज मुझे मंच पर भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता प्रदान करवाई, उसके लिए अभिभूत हूँ और जीवन भर उनका मैं आभारी हूँ। जैसा पार्टी के महामंत्री और जिला अध्यक्ष का निर्देश होगा पार्टी के लिए मैं काम करूंगा। कार्यकर्ता चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जो भी पार्टी में शामिल होता है वो उसका पार्टी को लाभ होता है। अभी बेरा है छोटे से ब्रेक लेके, दिखत रहो न्यूज 36।